वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। जैसा कि अभी मैं बैंकॉक थाईलैंड में हूँ, तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं आपको यहाँ का सियाम पैरागॉन या सेंट्रल वर्ल्ड जो कि यहाँ का मशहूर है एक यानी कि मॉल है, तो मैं आज क्या करूँगा वो मॉल आपको दिखाऊँगा। आज का जो मॉल आपको दिखेगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू यही मॉल बाकी दिनों में, क्योंकि अभी न्यू ईयर आने वाला है और क्रिसमस है, तो इसलिए इन्होंने काफ़ी सारा फुली डेकोरेट करके रखा हुआ है। और यानी कि बहुत ही यानी कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पीक टाइम में आ गया, तो इसलिए जैसे ये फाउंटेन ये सारा कुछ, लेकिन फाउंटेन तो नॉर्मली दिनों में आपको दिखेंगे, अदरवाइज ये आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इसके अंदर आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे एप्पल वर्ल्ड भी है और इस यहाँ पर काफ़ी सारे और भी बिग ब्रांड है। यानी कि थाईलैंड का ये है कि यहाँ पर क्योंकि ये इंटरनेशनली मतलब यूँ है कि यहाँ के किसी भी मॉल में आप चले जाएँ तो बिग ब्रांड सारे अवेलेबल हैं, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, कोई भी बड़े मतलब हैं आउटलेट। लेकिन ये जो मौका है आज, ये नेस्ले ने क्या करवाया हुआ है, पूरा इसे डेकोरेट करवाया है और काफ़ी ही अच्छा करवाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारी आवाम आई हुई है। और यानी कि नेस्ले ने इन्हें क्यों करवा के दिया है, जाहिर सी बात है ये सरोगेस मार्केटिंग कहलाती है। जैसे अभी मैंने वीडियो बनाई तो मुझे मेरी नज़र पड़ी कि नेस्ले के लगे हुए हैं, इसी तरीके से काफ़ी लोग जब आते हैं वो भी देखते हैं तो वो भी इस तरीके से करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ अभी मैं और चला जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि बहुत ही फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू दुबई का जो मेरा एक्सपीरियंस। दुबई का तो ये होता है क्योंकि वो हमारे ही सारे मुल्कों के लोग घूम रहे होते हैं, लेकिन यहाँ का जो है वो काफ़ी एक अच्छा है। तो इन्होंने जैसे क्रिसमस का मैंने कहा है कि अभी क्रिसमस आने वाला है, तो इसलिए इन्होंने क्रिसमस ट्री बनाई हुई है जो कि दिखने में बहुत ही नहायत ही मुझे खूबसूरत लगी। और यानी कि ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो फैमिलीज होती हैं या बच्चों के साथ घूमने आते हैं, क्योंकि हमारे भी यही होता है कि जब हमारी ईद वगैरह या कुछ आने लग जाता है तो हम लोग भी इस तरीके के जगहों की तरफ जाने का रुख करते हैं, और तो इन्होंने भी ये किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इधर नन्हे नन्हे बच्चे दिख रहे हैं, कोरोना चल रहा है, देख के दिल तो उदास हो रहा है कि किस तरीके से इन्होंने अपने मुँह को कवर किया हुआ है, लेकिन ये भी अपनी परफॉर्मेंस देने लगे हैं क्योंकि इनका ये यहाँ पर ये समझ लें कि एक मिनी स्टेज लगा होता है, तो उस पर बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं इंडिविजुअली स्कूल के, ऐसा नहीं कि मतलब उनका कोई पेड सिस्टम नहीं होता। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि और क्या क्या है, यहाँ से फ़ौरन भागता भागता जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक मतलब लाइव शो भी तो हो रहा है। लेकिन ये देखें, ये फ्री में जोकर खड़ा हुआ है और ये जो ना गुब्बारे बांटी जा रहे हैं बच्चों में फुला फुला के, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो ये बच्चों के साथ घूमने की जगह है और उन्हें काफ़ी अच्छा मॉल मिलेगा। उसके अलावा इन्होंने जो थीम बेस यानी कि जो चीज़ें यहाँ बनाई हुई हैं तो आप उनके साथ सेल्फी ले सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जैसे करते हैं। उसके अलावा स्केटिंग अच्छा मैंने इसके बाद की थी, लेकिन स्केटिंग का भी काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा ये येलो पेलो बने फिर रहे हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगता है कि आपको भी मज़ा आने वाला है। और जैसे ये छोटी सी परियाँ यहाँ पर नाच रही हैं, इन परियों के डांस को देख के कौन इन्जॉय नहीं करेगा, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आपको भी यहाँ पे आएँ, आप यहाँ पे एक्सप्लोर करें इसको थाईलैंड को, और उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।